नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं क्लास 12th की मैथ इंटीग्रेशन यानी समाकलन टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले गया हूं, जो ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा न गया हो, और भी क्वेश्चन 8 नंबर के अंतर्गत। ये 8 नंबर में पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, तो आइए इसको हम देखें सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां बोला गया क्या, सिद्ध कीजिए पाई बाई टू सी जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू जीरो लॉग कॉस डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू इंटू क्या लॉग टू है। चाहे ये क्वेश्चन इसके बराबर आए और चाहे इसके बराबर क्या ये है, मतलब दोनों का हल करने तरीका सेम ही आपका है। तो यहां लेफ्ट हैंड क्या रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहां पे, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट। तो जब भी यहां पे ए टू जीरो मतलब a से जीरो हो, ए टू जीरो होता है, तो वहां पे प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में परगुण 4 से, परगुण 4 से, और 4 में क्या होता है इंटीग्रेशन ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू जीरो एफ ठीक है एक्स माइनस ए, ये आपका होता है डीएक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इसके कारण क्या होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू से जीरो लॉग साइन एक्स, तो जहां पर एक्स है वहां क्या रखेंगे एक्स माइनस ए, मतलब यहां पर लिमिट क्या हमारे पास है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू क्या होगा डीएक्स हो जाएगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू से जीरो लॉग, यहां साइन मतलब पाई बाई टू मतलब 90 अंश माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होगा डीएक्स। इक्वेशन में क्या होगा इसको दो मान लेते हैं। अगला स्टेप क्या होता है कि समीकरण नंबर 1 हमने जो माना है और 2 इसको जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर तो आई आई कितना होगा 2i इंटीग्रेशन पाई बाई टू से जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो लॉग कॉस एक्स डी एक्स, दोनों की लिमिट क्या है समान है, इसलिए इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स ठीक है, इसमें कॉमन क्या है दोनों में डीएक्स कॉमन है, प्लस लॉग कॉस एक्स डीएक्स इसको करेंगे हम डीएक्स कॉमन कर ठीक है पूरा करेंगे। तो यहां भैया लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स ठीक है ब्रैकेट में होगा डीएक्स दोनों में कॉमन से क्या बाहर कर देंगे। अगला स्टेप क्या होगा 2i इंटीग्रेशन पाई बाई टू से कितना जीरो, तो लॉग साइन एक्स लॉग क्या है कॉस एक्स, अगर लॉग प्लस में है मतलब ए लॉग ए इंटू बी इक्वल टू तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या लॉग साइन एक्स इंटू क्या जाएगा कॉस एक्स पूरे क्या होगा डीएक्स हो जाएगा। अब कंडीशन हमारे पास ये है कि इसको हम और कहते हैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू से जीरो लॉग, अगर यहां हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें 2 से भाग कर दें तो हमारा बन जाएगा सूत्र 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर इसका साइन 2 एक्स के बराबर होता है, यहां 2 साइन एक्स कॉस एक्स बटा क्या होगा 2 क्या होगा डीएक्स, ये कंडीशन। अगला स्टेप यहां पर देखते हैं हम क्या करेंगे 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू से जीरो लॉग, अगर लॉग ए अपान बी होता है मतलब क्या यहां पे साइन 2x अपान 2 इंटू डीएक्स, तो 2x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू इसका होता है साइन 2x के बराबर बटे में दो जाएगा, अगर लॉग ए अपान बी होता है तो क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है,
तो यहां मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 लॉग साइन 2x, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन लॉग क्या जाएगा 2 हो जाएगा आपका इंटू क्या जाएगा dx हो जाएगा। अब दोनों क्या करेंगे लिमिट अलग अलग कर देंगे तो 2i इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 लॉग साइन एक्स 2x इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से कितना 0 लॉग 2 dx होगा। अब दोनों को हम अलग कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं यहां पे। तो यहां मान लेंगे माना 2x बराबर t मानेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो इसका करेंगे क्या x मान 2 बराबर क्या बनाएंगे t, इसे कर लो क्या अवकलन, 2 है x का कितना होता है 1 होता है dt अपॉन क्या होगा dx हो जाएगा। तो 2 dx इज इक्वल टू होगा dt, और हमें यहां क्या चाहिए ओनली, यहां पे हमें क्या चाहिए ओनली dx मान, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा बस 1/2 या क्या होगा dt। यदि x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 0 आएगा। यदि x बराबर पाई बाई 2 तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 2 गुणे पाई बाई 2, 2 से 2 क्या कैंसिल, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा पाई आ जाएगा मेरे पास। अब उठा के मान यहां रखते हैं तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो जहां पाई बाई 2 था तो वहां क्या होगा ओनली पाई ये क्या होगा 0 लॉग साइन क्या होगा t, और यहाँ गया 1/2 क्या बस dt, तो जहां dx है वहां अपॉन 2 अचर से इसको आगे रखेंगे, और जहां dx था वहां क्या dt माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 लॉग 2 क्या होगा dx। अब यहां पर क्या करेंगे हम लगाएंगे थोड़ा इसको हमें पुनः पाई बाई 2 में चेंज करना होगा क्योंकि ये फंक्शन आपको लाना है, तो लेंगे प्रगुण 6 से, प्रगुण 6 से। अब 6 में क्या होता है इंटीग्रेशन 1/2, तो यहां पर 2 से गुणा 2 से भाग, तो यहां 2 से गुणा करेंगे और यहां पाई बाई 2 इंटू क्या 0 मतलब 1/2 पहले से है, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से 2 कैंसिल होगा ये पाई बाई 2 बन जाएगा इंटू 2 बन जाएगा, यहां गया लॉग साइन टी जाएगा डी टी, और ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 लॉग 2 कहेगा डीएक्स हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 लॉग साइन टी कहेगा डी टी माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से कहेगा 0 लॉग 2 कहेगा डीएक्स हो जाएगा। अब करना क्या है कि 2i इक्वल टू अब ये क्या पाई बाई 2 0 लॉग साइन टी इसको हमसे क्या इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 लॉग साइन एक्स क्या होगा डीएक्स इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 लॉग 2x डीएक्स तो ये होगा 2i इक्वल टू अभी किसके बराबर है आई के क्या पास बराबर है 2 इक्वल टू आई माइनस इसका जो इंटीग्रेशन होगा लॉग क्या अचर राशि है लॉग 2 बाहर रहेगा यानी कितना x x बन जाएगा 1 का x हो जाएगा पाई बाई 2 से क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2i माइनस क्या जाएगा आई इंटीग्रेशन माइनस क्लियर 2i माइनस आई ये क्या जाएगा लॉग 2 ये क्या जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पाई बाई 2 माइनस क्या जाएगा 0 तो यह आई इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू का जी पाई बाई 2 तो आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 ये क्या जाएगा लॉग 2 ये आपका क्या था प्रूव होगा पूरा कितना दैट प्रूव।